हमारे एक मित्र हैं, दो चेला रखे थे, एक दिन बताने लगे कि भैया हमारा तो कुर्ता 3 है, चलवा 22 कुर्ता लेके चले थे। हम कहते सामान ले आओ, हमारा सामान 2 चलवा का सामान 9 रहते, छुटका बेग, मुटका बेग, लमका बेग, चेला है चेला। गुरु जी के साथ रहते समय बहुत सूक्ष्म रहना चाहिए, पते न चले हो हेरा ही जाए। सदगुरु की सेवा में बहुत सूक्ष्म, नान अवस्थ सेव भाव में रहना चाहिए। मिल गया जय जय, खैर युग के हिसाब से सब ठीक है, बनना चाहिए जैसा भी भगवान बना दे, लेकिन यहाँ दर्शन करिए, प्रभु दर्शन करिए। उठे लखन निस विगत सुन अरुण शिखा धोनी, मुर्गे की आवाज सुनकर लक्ष्मण जी उठे, जगे नहीं लिखा, उठे माने बैठे थे उठ गए। और गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सुजान, गुरु जी लेटे ही थे कि प्रभु जग गए ब्रह्म वेला में। दोनों भाई प्रातर्विधि से निवृत्त हुए, गुरुदेव के पूजा की पूर्ण व्यवस्था संपन्न हो अस्तु। पुष्प दल वेल पत्र लेने हेतु भगवान पुष्प वाटिका पधारे, पुष्प वाटिका प्रभु पधार रहे हैं, ये कई बार हमने आपने गाया है, आप जानते हैं। भगवान पुष्प वाटिका जैसे प्रवेश किए, अरे दर्शनी है, 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ वाटिका में कलरव कर रहे हैं। पुष्प वाटिका मने भगत का जीवन, भगत के जीवन में भूल कर भी कोई विघ्न उपस्थित न हो, ऐसा भाव स्वभाव और व्यवहार रखिए तो जीवन में सर्व का नवीनता बनी रहेगी, और न्यूनता का आभास होगा तो जीवन में कदापि नवीनता नहीं आएगी, न्यूनता समाप्त होगी तब न नवीनता आएगी। देखिए वाटिका कैसी है, भगवान प्रवेश कर रहे हैं। समय जान गुरुआ यसुपाई लेन प्रसून चले दो, भूप बागुबर देख बुझा जहां बसंत ऋतु लागे बिटप मनोहर नाना भरन भरन भर भे। कैसे अनेक वृक्ष देखते मन को मोह ले, देखिए मनुष्य वाटिका भी वैसी ही लगाता है जैसा उसका स्वयं का मन होता है। भगत तुलसी जी की बिरवा लगावेगा, कर्कश आदमी कैक्टस और पाइनस लगाता है, मधुर आदमी फलदार वृक्ष लगाता है, भगत व्यक्ति पंच पल्लव प्राप्त हो ऐसा वृक्ष लगाता है। सबका अपना अपना स्वभाव है। व्यापारी आदमी पूरे खेत में सागौन और यूकेलिप्टस लगाता है, बढ़ी तो कटाई तो बिकाई तो घर बनी ल, सब साल का योजना। भगत भगत परमार्थ के वृक्ष लगाता है। कैसे वृक्ष? वाटिका का दर्शन करिए। अरे नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, जातक को कील कीर चकोरा, जातक को कील कीर जत बिह नटत कल मोरा, वर्षा जत वर्षा जत बिह
ऐसा दिव्य। लताएं हरतिमा संपन्न है, वृक्ष फलदार हैं। अभी एक वाटिका हम लोगों ने आश्रम देखा जहां कुछ नहीं, यहां देखिए ना, ये भजन है। वो हमारे कानपुर में एक महाराज रहा करते थे, ऊसर भूमि थी, ब्रह्मलीन हो गए। ऊसर भूमि में कुटिया बनाए, क्या हो ठीक हो गया, ठीक तो हो ही जाएगा। पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सूरज मुनि जी महाराज नित्येश्वर आश्रम, कानपुर दक्षिण की तरफ है। तिब ऊसर पूरी ऊसर बरसे तिम नहीं जामा, तिनका भी नहीं। आज वहां इतनी हरितिमा है कि आपको क्या बताऊं। जहां महाराज ने हाथ लगाया वहीं पेड़ पेड़ हो गए हैं। पूरा आश्रम केवल वही आश्रम की बगीची में हरियाली है, और अगल बगल 100 बीघा तक दूर दूर तक सब ऊसर है। ऊसर है रेहू होता है बस। ये क्या है? भजन का प्रताप है। भजन से तो भैया ऊसर में जब हरियाली आ सकते है, तो भजन से ये दूसर में भी हरियाली आ सकते करे तब ना। भजन करे के परी, भजे के परी, खाली भजन करे के परी सुने से नब चली, एक रगरे के परी न मलवा गोलियाए रगरे रगरे तब न भजन बनी। हृदय गोलियाए कुछ हो कहा जितनी देर बतियावे उतनी देर थोड़ा रगरे जय जय भजन करे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सब भजक न परी। चौपाई खाली बोले से थोड़ी काम चली, रगरे के परी रगरे के परी। यहाँ देखिए क्या आनंद भैया, मध्य वाटिका के मध्य भाग में एक दिव्य सरोवर परकोटे चारों रत्न जड़ित। ए भाई व्यक्ति जैसा हो ना वैसा उसका ये सब निवास वास आ सब होना चाहिए। मैं कल भी एक बात कहा कि उसके बाद सरकार से क्षमा याचना किया, सरकार कुछ लगता है कि गलत हो गया, सरकार तो मुस्कुरा के बस टाल देते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है आप आनंद में रहा करो, खूब आनंद में रहा करो। घर को बढ़िया डेकोरेट करके चकाचक, एक परिवार में मैं गया, उस परिवार की बिटिया घर के जितने पंखे थे सब में दिया सलाई के ऐसे झूमर बनाई थी। अरे साहब आज तक नहीं भूलता है, दिया सलाई के झूमर बना के घर के 10 पंखों में लगा रखी थी, और जब पंखा चलता था कितना मधुर आवाज आती थी, उसमें घुंघरू बना रखी थी, गुनगुन गुनगुन बोलते थे। क्या आजकल क्या है भैया? अरे पैसा ले लो बाजार से खरीद लाओ लगा लो, ये कौन सी ममता है हो? थोड़ा हथवा को चलाओ, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा ममता दो तो श्रृंगार हो तो क्या देखने में लगता है। बहन करती है तो बेटी करती है, पहले तो घर का लेपन होता था, अब तो बहू से पुरसत हो, अब तो पोताई से छुट्टी ले हो गया कमर हो गया, न दाएं न बाएं सब पत्थर का काम है हरिहर। जब वो थोड़ा हाथ पर चले तो आनंद हो। ये कैसा लग रहा है सरोवर, ये दर्शन करिए। बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंधो समय, परम रम्य या राम यह जो राम ही सुख। ऐसा ऐसा सजा कि मेरे प्रभु को कितना सुख मिला। जहां आपका भाव बने ना वहां प्रशंसा अवश्य करिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहां एक सावधानी है, कभी भी किसी की वाटिका से बिना पूछे पुष्प दल बेलपत्र न उतारा जाए। क्यों? आप भोर में जाके चौर वृत्ति से उतार भी लाएंगे और चढ़ा भी देंगे तो पुण्य उसी को मिलेगा जिसकी वाटिका से लाया गया है। अपने अकाउंट में जुड़ने वाला, अपने रामर्चा में कथा सुनी होगी, किसी के हाथ से एक पुष्प गलती से भगवान को चढ़ गया उसको पुण्य प्राप्त हो गया, और जो लगा रखा है सुबह शाम पानी दे रहा है उसको न मिलेगा।
चढ़ाइए आप, और पुण्य उसको मिला जिसकी वाटिका है, इसलिए ऐसा पुण्य कर्म कृपया न करें। मांग लीजिए ना, एक फूल एक पुष्प दे दो, चार दल दे दो, और समझिएगा जो लगाया नहीं है, जल नहीं दिया है, उसको कुछौ बेरहे में दर्द नहीं होता। लोग खपड़िए तोड़ लाओ तो लाला पूरा ले आए, लगौला का पीड़ा होती है कब, जब शरीर खपता है, नहीं चाहे जैसे हो, ऐसा ठीक नहीं है, ये मर्यादा। देखिए, अरे भगवान को क्यों पूछना, भगवान तो विशेष VVIP गेस्ट हाउस में रुके हैं, प्रभु गुरु जी के साथ आए हैं, गुरु जी के लिए पुष्प ले जाना है, मिथिला पति के विशेष अतिथि हैं, क्यों पूछना। अरे लेला लेला चाहे जवन लेला ना, देखिए चौहो देश चेतई पूछे मालेगन, चौहो देश पूछे मालेगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, अवसर सीता तह आई, अवसर सीता गिरजा जननी पठाई।